जय श्री राम दोस्तों, तुम आए हुए हैं GIC राजकीय इंटर कॉलेज, जो कि यहाँ पे राजकीय नाम से बना हुआ है। तो यहाँ पे मेला लगने वाला है, किस नाम से लगेगा अभी ये नाम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का कार्य प्रगति पे है। तो आपको दिखाएंगे किस तरह से बना हुआ है, किस तरह से यहाँ पे पूरा कार्य हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी दुकानें लगी रही हैं, अभी स्टार्टअप भी हो रहा है, सब बहुत सारा सामान आया है। तो आपको अपने ब्लॉग में घूम के पूरा दिखाएंगे किस तरह से बना हुआ है, किस तरह से यहाँ सब दुकान सेटअप हो रहा है, सारा सामान आ रहा है, किस तरह से एंट्री गेट को बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि अभी आपको अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता यहीं पे दिखाई दी, जो कि यहीं ग्राउंड पे हुआ था। अब यहाँ ग्राउंड पे जो कि लगने वाला है मेला है, कौन सा मेला भी नाम ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेले लगते रहते हैं। तो आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पे सजावट का कार्य चल रहा है, क्योंकि अभी सब अपने दुकान को लगा ही रहे थे, क्योंकि हम भी यहीं पे आए थे। हम उसको कहेंगे सब अपना सामान ला चुके हैं, कुछ दुकानें लगी हुई हैं, कुछ दुकानें भी कार्य प्रगति पे है, गेट को बनाया जा रहा है, काफ़ी अच्छा और भव्य बनाया जा रहा है, जो कि हमारे अयोध्या मकबरा जस्ट नीचे उतरने के बाद सिविल लाइन की जस्ट बगल जो हमारे राजकीय इंटर कॉलेज है जस्ट उसी में लगाया गया है। ये हो सकता कोई महोत्सव हो सकता है, या कोई फेस्टिवल हो, या कोई मेला हो, जो कुछ भी लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सामान है यहाँ पे, हर चीज़ मिलता है। पहले यहाँ पे औसत महासो लगता था, हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ का कार्य चल रहा है, किस प्रकार से दुकानें लगी हुई हैं, किस प्रकार से सब लोग अपना कार्य सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं, दूर से लोग आए हैं। आपको दिखाना पूरा ग्राउंड देख लीजिए, 400 से 3 से लगा के बनाया गया है, ना कोई अंदर आश्रम बात था, एंट्री गेट एक ही है, एग्जिट गेट भी वही तरह ही है, जस्ट बगल में बनाया गया है, झूले लकड़ी के घड़ी दीवार सब कुछ आए हुए हैं, ये काफ़ी यूनिक, जो कि घरों में सब अपने लगाते हैं ले जाके यहाँ से, काफ़ी अच्छा और यूनिक लगता है वो। तो आपको दिखाएं किस प्रकार से ये बना हुआ है, किस प्रकार से सब लोग अपना सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि ये कभी स्टार्ट होगा, अभी कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि अभी सब डेकोरेशन या सजावट का कार्य चल रहा था, सब अपना बना ही रहे, स्ट्रक्चर दे रहे थे। तो उसको वहीं पर आ जाए, आपको दिखाएँ किस प्रकार से चल रहा है, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ का कार्यक्रम चलेगा। ये जो पूरा बना हुआ है, अंदर से स्पेस खाली दिख रहा है, कुछ दुकानें लगी हैं, कुछ दुकानें लगी हैं, क्योंकि सबका अलग अलग डिवाइड है, जो अपना जिस हिसाब से बात किया होगा उसको उतने हिसाब से दुकान, जैसे जहाँ से तंबू लगा हुआ है आधा आधा सबको करके दिया गया, थोड़ा सा देखो भैया सो रहे हैं, ये अपना सामान अंदर रखे हुए, ये खाली पड़ा होगा, क्योंकि भाई इनका सामान आया नहीं है पूरी तरह, इसलिए पूरा खाली हुआ है। लेकिन चारों तरफ से काफ़ी अच्छा उखड़ा गया है, पूरा कमरे की तरह बनाया गया, ताकि बारिश हो, हवा चलो, कोई दिक्कत ना, क्योंकि इसी में उनको रहना भी, अपना सामान भी रखना है। देखिए सामान बाहर रखा भी गया है, ये देखिए यहाँ पे चंदन फेस पाउडर सब आयुर्वेदिक का जितना सामान होता है यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा वो, क्योंकि अभी से बैनर लगे हुए हैं, सामान रखा नहीं गया, अधिकतर भी ज़्यादा सामान रखा नहीं गया, क्योंकि अभी स्टार्टअप ही हो रहा है, अभी हम आज आए हैं, लगता है कल से या बन रहा होगा, क्योंकि आज हम आपको आए थे तो दिखा रहे हैं, अब दिखाएंगे रोज़ कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, क्योंकि ये भी तो नया स्टार्टअप है अयोध्या महोत्सव का, क्योंकि ये नया साल तक चलेगा, नया साल को काफ़ी अच्छा धूमधाम मनाया जाता है। यहाँ अंकल सामान खोल रहे थे, यहाँ पे बगल बर्तनों की दुकान लगी, जो कि भैया लोग बगल में सब बर्तन एक एक साफ़ करके अच्छे से क्लीन करके रख रहे थे, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। अभी क्योंकि पैकिंग ओपन हुई है, तो सब लोग आए थे यहाँ पे घूमने के लिए, बहुत लोग आए थे, देखो यहाँ सब अपना सेट कर रहे हैं बीच में, क्योंकि यहाँ पे सारे प्लास्टिक के, सारे प्लास्टिक और कांच और लकड़ी के सामान है, जो कि कप है, मग है, झूला है, चेयर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजाइन की बनी हुई हैं। आपको दिखाएं किस तरह से डिजाइन से बनी हुई, दो भाई देखो छोटे छोटे हैं जो, लेकिन बेरोजगार के लिए तो काम करना ही पड़ता है, सबको पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। ये देखिए पूरा जितना सामान है यहाँ पे लकड़ी का है सब बना हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छा और यूनिक लग रहा है। जो देख लीजिए यहाँ पे डंडियाँ निकाल के रखी, क्योंकि सब सेटअप होगा, बगल में आलमारी की तरह रखा गया है, सब चेयर पर अंकल बैठे थे, चेयर बनी गई है यहाँ पर, बगल में देखिए आलमारी तक खाना कट के सामान रखने के लिए बना हुआ है, छोटी छोटी आलमारियाँ हैं, बगल में झूला है काफ़ी अच्छा और बेहतरीन है, जो कि अभी सेट नहीं हुआ है, सेटअप के लिए सब सामान निकाला गया था बट सेट नहीं किया गया है, सेट करने में भी टाइम तो लगता है, इसलिए सब सामान को खुल रखा गया था कि सब लोग अभी सेट ही कर रहे थे, तो हम यहाँ पे आए थे, अभी झूला भी सेट हुआ था, अभी आपको झूल के भी दिखाते कि किस तरह से आनंद आता है झूलने में, क्योंकि देखो पूरा चैन लकड़ी सब कुछ लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा और बेहतरीन नज़ारा भी है। अभी तो स्टार्टअप है, स्टार्टअप के बाद आपको देखने को भी मिलेगा किस तरह से लगा है, क्योंकि देख लीजिए VIP लोग जो भी रखते हैं सोफा वोफा वो सब पे चेयर काफ़ी अच्छा और यूनिक जचती है। देखिए इस पर ट्रे वगैरह रखने के लिए काफ़ी अच्छा बनाया गया है,
ये देखिए मेन गेट है, जो गेट भी बनाया जा रहा है, जिस पे लिखा जाएगा अयोध्या महोत्सव, मतलब जो कुछ भी नाम यूनिक लिखा जाएगा इसी पे लिखा जाएगा, वो हम आपको कल दिखाएंगे। जो कि सामान अभी लद के आया था, टाली पे सब कुछ सामान रखा गया है, पूरा बकायदे हम आपको दिखाते हुए चलते हैं किस तरह से हमारे अयोध्या में मनाया जा रहा था, आपको पूरे ब्लॉग में दिखाते हुए चलते हैं हम। गाइज मैंने आप सबको दिखाया किस प्रकार से यहाँ पे सजावट की गई है, दुकानें लग रही हैं, अभी आता सामान आ रहा है, अभी स्टेज पूरा सजाना बाकी है, तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ये सब दिखाएंगे किस प्रकार से स्टेज को सजाया जाएगा। कि भी हम आपको कंटिन्यू दिखाएंगे किस तरह से यहाँ कार चल रहा है, क्योंकि आज पहला दिन था हम यहाँ पे आया था, आपको दिखाते अभी कार चल रहा हूँ। जहाँ तक मुझे कन्फर्म हो चुका है यहाँ पे अयोध्या महोत्सव लग रहा है, क्योंकि अभी नया साल आने वाला है, तो नया साल के उपलक्ष्य यहाँ लगाया जाता था, बगल क्रिकेट खेला जा रहा है, बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं बाहर, तो ये पूरा राउंड अप से रोका गया था। उसको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे किस प्रकार से आगे का कार्य हुआ और किस प्रकार से यहाँ का स्टेज बनाया गया, जो कि सामान सारा उतर रहा है स्टेज लगाने के लिए। देखिए हमारे पीछे सारा सामान टाली पर लद के आया, वो उतर रहा है, हम अंदर खड़े होते दुधला दिखेगा थोड़ा, तो उसको हम पूरा दिखाएंगे किस प्रकार से नेक्स्ट ब्लॉग में कितना कैसे का किया जाएगा। क्योंकि अभी सजावट वगैरह होना बाकी है, सब सामान आ चुका है, अभी और सामान आना बाकी है, जो कुछ बैनर बनेगा जो लगेगा मेन गेट पे क्या है या क्या नहीं है यहाँ पे, उस तरह से आपको दिखाएंगे किस प्रकार से पूरा यहाँ पे सजावट डेकोरेट किया गया। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के, थैंक यू सो मच गाइज़।